केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज वाराणसी में बीएचयू में आईआईटी क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचकर खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किया। यहां उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु टीम के बीच T20 क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने क्रिकेट में अपने हाथ भी दिखाए। उन्होंने कहा कि काशी और तमिलनाडु का रिश्ता सदियों पुराना है, इसको एक बार फिर से जोड़ने का काम मोदी जी ने किया है। गुलामी की सोच से हमें बाहर निकलना है। सोमनाथ मंदिर को दिव्य और भव्य बनाना, केदारनाथ को दिव्य और भव्य बनाना, काशी विश्वनाथ मंदिर को भी भव्य बनाया और अयोध्या का मंदिर भी भव्य बन रहा है। उन्होंने कहा कि बनारस के लोगों को शिक्षा के साथ खेलों में भी अवसर मिल सके, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने खेलों का आयोजन भी काशी तमिल संगम में कराने का अवसर हम सबको दिया। कौन हारता है कौन जीतता है इसका फर्क नहीं पड़ता, हमें एक दूसरे को जानना है, एक दूसरे को पहचानना है। भाषा नहीं जानते होंगे तब भी कोई ना कोई बीच में जोड़ने वाला मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप एक दूसरे को इतना जाने कि भविष्य में आप भी तमिलनाडु का अपना कोई प्रोग्राम बनाए, आप भी दिवाकाशी वहां पर जाने का काम करें। तमिलनाडु में बहुत सारे, मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा मंदिर तो शिव के ही होंगे और बहुत सारों की कहानियां कहीं ना कहीं बनारस से काशी के साथ जुड़ी हुई है। तो जो काशी तमिल का ये जो गठजोड़ है, जो संगम है, ये आज का नहीं, ये सदियों पुराना है, लेकिन इसको जीवित करने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।